मुक्ति का अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और ग्रिल्ड सैंडविच है, थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। ऊपर से इन्होंने चीज़ की और ऊपर से चाट मसाला की गार्निशिंग की हुई है। फ्रॉथ को अगर मैं थोड़ा सा हटाऊँ तो ये कॉफ़ी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाता ये, इट्स ऑल मिल्क। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीइंग दिल्ली हाइट्स। यार आज की शाम है फतेह सागर लेक के बिल्कुल सामने साईं सागर कॉफ़ी शॉप पे। यहाँ के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा जो मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री पता चली, जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया यार। शायद आप लोग भी जब मैं बता रहा हूँ उससे शायद आप इंस्पायर हो जाओ, और अभी जो हम ऑनर से आपका मीटअप करवाएंगे तो हो सकता है शायद उसके बाद आपको पता चलने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो क्या है, एक छोटी सी स्टोरी अंकल के बारे में बताना चाहूँगा। ऑनर का नाम है घनश्याम जी, उर्फ बाला भाई के नाम से जाने जाते हैं हमारे उदयपुर क्षेत्र के अंदर। स्टोरी ये है दोस्तों, एक छोटी सी फैमिली से स्टार्टअप हुआ, 9 से 10 भाई बहन थे, घर के बड़े थे, घर की जिम्मेदारियाँ, पिता की एक छोटी सी शॉप चाय की, और उसके साथ बाला भाई ने जो मेहनत की है, जो आज जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसको सबसे पहले मेरा सलाम, मेरा सलूट। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार को संभाला। एक 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 छोटा सा, मेरे को थोड़ा सा बता तो, एक खुद को रोना भी आ रहा और सोच के ऐसा लग रहा कि अगर वो बंदा कर सकता है ना तो मैं भी शायद एक दिन कोशिश करूँ, तो हम भी सभी कर सकते हैं, नॉट पर्टिकुलर मी। एक शर्ट पे बटन ऊपर नहीं पता कौन सा है, आखिरी का नहीं पता कौन सा है, बीच में कौन सा नहीं है, कुछ नहीं पता, बट एक जुनून, एक जज्बा, एक मेहनत जो दिमाग में सोच के इंसान चला है कि वो पढ़ेगा भी, वो मेहनत भी करेगा, और वो किसी छोटे काम से भी नहीं डरेगा। अगर उसको बर्तन भी मांजने पड़ रहे हैं तब भी वो ये नहीं सोच रहा कि वो बर्तन मांज रहा है, वो सब कर रहा है, वो सोच रहा है कि इसमें भी कुछ मेरे को आगे चल के बहुत कुछ मिलने वाला है। तो यही सब चीज़ें, मैं दोबारा उनको सलाम और सलूट दोनों चीज़ें करता हूँ, और चलते हैं एक बार ऑनर के पास, और वहाँ पे हमारे तोज भाई भी हैं, वो भी आपको बताएंगे और अंकल के साथ मीटअप भी कराएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम जुड़ चुके हैं इस शॉप के ओनर के साथ, तो अंकल से मिलते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। अंकल जी आपका नाम प्लीज। नाम घनश्याम, बाला भाई के नाम से सारा शहर जानता है। ठीक है। हाँ। और ये आपकी जो शॉप है ये कब से है? मैं यहाँ पर सिंस 2001 से हूँ, और ये कॉफ़ी काम हमने 2010 के आसपास, 10-11 के आसपास शुरू किया, 8-10 साल हुए। इसके पहले हम लोग सिर्फ छोटा मोटा आइटम बेचा करते थे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये वो। और मैं एक बार आपके YouTube के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा महाराज कुंवर साहब उदयपुर रश्री लक्षराज सिंह जी, क्योंकि उन्होंने इस मार्केट को, सभी को इतने प्यार से और सभी को इतना सहयोग करके ये मार्केट को थोड़ा डेवलप किया, तो शहर का ये एक हब बन गया, और हब बनने के बाद पब्लिक को हमारी पहचान मिली है। उसके पहले सारे लोग यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें बेचते थे, हम भी उनमें से एक थे। अब आप लोगों के प्यार से, स्नेह से, और धीरे धीरे आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और इस कॉफ़ी को बड़ा पसंद किया जाता है। ये कॉफ़ी हम लोग देश विदेश की कई कॉफ़ियाँ हैं जिनको हम मिला के कॉफ़ी बनाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा टेस्ट हर व्यक्ति तक, हर जेब तक पहुँचना चाहिए। खाली एक टेस्ट की बात नहीं है, इसको हर व्यक्ति अफोर्ड करे, हमारा मोटो यही है कि हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पी सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। मकसद ये नहीं सिर्फ माल बेचना, मकसद ये भी है कि माल के साथ में अपना नाम भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हम लोग कोई अच्छी चीज़ खिलाते हैं।
तो आज उसमें भी हम लोग धन्यवाद देंगे शहर को, शहर की पब्लिक को, और विशेष तौर से यंग जनरेशन, सारे युवाओं को, कि वो लोग मेरे को पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। और मेरा फिर एक बार यही कहना है कि हर पॉकेट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बहुत सारी महंगी चीज़ें बेचेंगे तो एक आम आदमी किसी और आदमी को देख के महसूस करता है कि यार मैं कॉफ़ी, काश मेरी जेब में इतने पैसे होते, तो इतने कप में कॉफ़ी इतनी अच्छी बेचते हैं ताकि उसको लगे कि मैं भी पी सकता हूँ। यही हमारा एक फेमस होने का कारण है। बेहतरीन। आपके लिए, आपकी तरफ से हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज? क्योंकि मेरे को आपसे बात करके हरिवंश राय जी बच्चन की एक कविता याद आती है, अग्निपथ। अग्निपथ रुके न दू थके न दू। तो हमारी महान कवि हैं, उनको प्रणाम। और महान कवि के सब सुपुत्रों को मेरा प्रणाम। देखिए, आज भारत के एक महान नायक हैं, आज उनके लाखों फॉलोअर हैं। आज आप हरिवंश राय, श्री हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लेके, अमिताभ जी का नाम लेके ये बात कर रहे हैं। उन्होंने जब कभी भी कोई बात करी है या उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई है, उसमें आपने कहा यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज होना चाहिए। यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है कि आप काम करें? आपने खुद ही कहा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू अंकल। तो मेरे लिए हर रोज़ एक दिन अग्निपथ है जी। ये नहीं कि मैं सिर्फ आज संतुष्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे आगे क्या है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक जाने के लिए कि इसके आगे क्या मिल सकता है। और इसके लिए आप लोगों के सहयोग के बगैर, आप लोगों के प्यार के बगैर मैं चल नहीं सकता हूँ। तो मुझे यही है कि आप लोगों का सहयोग और प्यार मेरे साथ बना रहा है। थैंक यू बेहतरीन। थैंक यू अंकल। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अंकल से बात की, बहुत कुछ सुना उनसे, उनकी कहानियाँ सुनी, इंटरेस्टिंग। अब हमने डिशेस मंगवाई हैं टेस्टिंग के लिए, तो अंकल की रिकमेंडेशन पे हमने दो बेस्ट सेलिंग आइटम्स मंगवाए हैं, तंदूरी पनीर सैंडविच एंड तंदूरी पनीर टिक्का। तो आइए पहले तंदूरी पनीर सैंडविच देखते हैं। इसकी 4 पीसेस करके दिए हैं मुझे, और ग्रिल्ड सैंडविच है। थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ, ऊपर से इन्होंने चीज़ की गार्निशिंग की है, अंदर भी तंदूरी सॉस, अनियन, कैप्सिकम एंड पनीर के पीसेस हैं। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब साथ में इन्होंने मुझे सॉस दी है, मेरे ख्याल से मीठी सॉस है, केचप टाइप्स, बट लेट्स सी, टेस्टिंग करके बताता हूँ। वाह, वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है, पनीर बहुत सॉफ्ट है। और अंकल ने मुझे बताया था यहाँ आसपास शायद कुछ दुकानों पे सस्ता पनीर मिलता होगा। इनका अपना पनीर जो यूज़ होता है 320 रुपीज़ केजी का होता है, तो अच्छी क्वालिटी का पनीर यूज़ किया हुआ है बेशक, टेस्ट में पता चल रहा है। एक और बाइट लेता हूँ, फिर नेक्स्ट आइटम पे मूव करते हैं। कैप्सिकम क्रंची है, अनियन का हल्का हल्का टेस्ट आ रहा, और जो तंदूरी सॉस यूज़ की है उससे बहुत अच्छा टेस्ट, ऑल टुगेदर बहुत अच्छा टेस्ट बन रहा। अब तंदूरी पनीर टिक्का पे आते हैं। इसमें पनीर के काफ़ी सारे पीसेस हैं, 8-10 पीसेस दिख रहे हैं मुझे, टमेटोज, कैप्सिकम, अनियन, और ऊपर से चाट मसाला की गार्निशिंग की हुई है। साथ में इन्होंने मुझे मिंट चटनी दी है, तो इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पीस तोड़ता हूँ पहले, अच्छे से रोस्टेड है पनीर, जैसे आप देख सकते हैं, अच्छे से क्रस्ट इसका कुरकुरा हो चुका है, पनीर सॉफ्ट है, उठाने से ही पता चल रहा है, मिंट चटनी के साथ डिप करके।
बहुत ही स्पाइसी और चटपटा टेस्ट है, क्योंकि ना क्या है, इन्होंने अंदर स्लिट करके उसके अंदर भी वो किया, मैरिनेशन किया, और फिर ऊपर से भी चाट मसाला की गार्निशिंग की है, जो साथ में इन्होंने ग्रिल किया है टमेटोज वगैरह, उसका भी टेस्ट लेता हूँ। टोमेटोज जूसी हैं बेहद, मगर साथ में वो स्मोकी एक फ्लेवर आ रहा है बिकॉज ऑफ बेकिंग इन तंदूर, राइट। तो बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, जब भी आप आएँ यहाँ पर ज़रूर आएँ, इनके कॉफ़ी और स्नैक्स आइटम ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। फतेह सागर लेक के साथ में एक मार्केट है, वहाँ पर कॉर्नर वाली दुकान है साईं सागर, उस पर ज़रूर आइए और डिशेस को एंजॉय कीजिए। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो डिशेस के बाद में यहाँ के स्टाफ के रेकमेंडेशन के ऊपर स्पेशल कॉफ़ी कुल्हड़ वाली वो मंगवाई है, देखने से ही कुछ अलग लग रही है, जो दिल्ली में तो कहीं नहीं देखी मैंने भाई। इसमें इतनी सारी तो फ्रॉथ है ये देखो, और साथ में चॉकलेट पाउडर डाल के कुल्हड़ में सर्व की है। जो यहाँ के ओनर अंकल ने बताया था वो ये है कि इसमें जो कॉफ़ी यूज़ होती है वो घर में ही ब्लेंड होती है, अलग अलग जगहों से इन्होंने कॉफ़ी का ब्लेंड बनाया है, कुछ अफ्रीका से कॉफ़ी मंगवाई है, मोरक्को से कुछ इंडियन कॉफ़ी के वो हैं बीन्स हैं। तो जो अंकल ने बताया था ब्लेंड जो कॉफ़ी का है और ये जो फाइनल रेसिपी बनी कॉफ़ी की, उसमें इनको 17 मंथ्स लगे, बिकॉज उन्होंने अलग अलग मिक्सचर ट्राई किए, ये ट्राइंग एंड टेस्टिंग में इनको 17 मंथ्स एंड अगर मॉनेटरी वाइज देखूँ तो करीब 2 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए कॉफ़ी बीन्स पे और उनकी रेसिपी फाइनलाइज करने में। तो ये ऐसे ही कॉफ़ी नहीं बनी, इसलिए स्पेशल कॉफ़ी कहते हैं इसको, बिकॉज इसमें जो ब्लेंड है कुछ बीन्स इसकी 40,000 रुपीज़ की हैं, कुछ बीन्स 70,000 रुपीज़ की हैं। तो आइए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। फ्रॉथ बहुत ज़्यादा है ऊपर, और अब आते हैं फ्रॉथ को अगर मैं थोड़ा सा डाउन तो ये कॉफ़ी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाता ये, इट्स ऑल मिल्क। अब टेस्टिंग करता हूँ और बताता हूँ। वाकई जो हमारे बड़े कॉफ़ी चेन्स हैं ना वो भी शायद फेल हैं इसके सामने, ये इतनी मेहनत से जो बनाई है ना ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है गाइस। यहाँ पर जब भी आए ना इनकी स्पेशल कॉफ़ी कुल्हड़ वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल नॉट रिग्रेट इट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम्स इन देयर मेन्यू। डेफिनेटली यहाँ पर आइए एंड कॉफ़ी के साथ डिशेस ट्राई कीजिए। तो अभी हम निकल रहे हैं फतेह सागर लेक से, यहाँ पर इन्होंने डिशेस ट्राई कराई। तो जो अंकल थे, बाला अंकल जिसको नाम से जानते हैं लोग, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, इनका सारा स्टाफ इतना कॉर्डियल है, इनकी हॉस्पिटैलिटी, ऑल दो दिस इज़ अ स्मॉल आउटलेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट, मगर हॉस्पिटैलिटी गाइस मतलब 5 स्टार्स के टक्कर की है, एंड यहाँ पर डिशेस बहुत टेस्टी हैं। तो हमने डिशेस ट्राई की, टेस्ट की, आप भी जब भी आएँ या अंकल से अगर मिलने का मौका मिले तो उनकी स्टोरीज़ सुनिएगा, उनसे बात कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग अंकल हैं, मज़ा आएगा, और साथ में डिशेस भी ट्राई कीजिएगा। तो बाकी अंकल ने हमें ये भी बताया कि उनकी दिल्ली में भी एक शॉप खुलने वाली है, तो हमारे दिल्ली के जो व्यूअर्स हैं वो भी आ सकते हैं, सीसगंज गुरुद्वारा पुरानी दिल्ली के बिल्कुल सामने जो मॉल है वहाँ पर उनकी शॉप खुल रही है। तो जब भी वो खुलेगी अंकल हमें बताएंगे और हम फिर अंकल की उस शॉप की इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाएंगे। अंकल ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की, अपना थॉट शेयर किया जो दिल को छू गया गाइस। उन्होंने ये बताया कि उनके लिए कस्टमर कस्टमर नहीं है, उनके लिए जो कस्टमर है जो भी आता है यहाँ पर वो उनका फैमिली मेम्बर है, उनका फ्रेंड है। तो वो उनको जो खाना खिलाते हैं, जो कॉफ़ी पिलाते हैं, वो उसी लहजे से कराते हैं ताकि उनकी फैमिली को अच्छा लगे, उनकी फैमिली फिर से आए उनके पास और बार बार उनके रेगुलर कस्टमर बने। तो यही सोच है जो इनको इतने छोटे लेवल से लेके आज इतना बड़ा आदमी बना दिया, मगर फिर भी उन्हें एक प्राउड वाली फीलिंग नहीं आई।
ही स्टिल हम्बल, ही स्टिल डाउन टू अर्थ, एंड दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ हिज फूड चेन एंड दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्सन। तो गाइज रात हो चुकी है, मार्केट भी बंद हो रही है, हम भी थक चुके हैं, तो आज के लिए अलविदा देता हूँ आपसे। एंड एक मेरा लास्ट मैसेज है गाइज, जब भी उदयपुर आएँ, साईं सागर पे आएँ, इनके डिशेज़ ट्राई कीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट दिस। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको इनका मेन्यू, इनकी डिशेज़ कैसी लगी। एंड आखिरी में गाइज, जैसे हमेशा कहते हैं, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।